अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं पराठे। मैं आज आपको बताती हूँ कि पराठे कैसे बनाते हैं, वो भी स्क्वायर शेप में। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसे अलग अलग शेप्स के जब आप बनाते हैं तो। और जब हम इतनी ग्रेवीज बनाते हैं मटन की चिकन की, तो उसके लिए पराठे की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा, काफ़ी लोग पूछते रहते पराठे किस तरीके से बनाते, तो मैंने सोचा आज मैं बना रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण इन्ग्रीडियंट यानी ऑर्डनरी इन्ग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक बड़े से बर्तन के अंदर 2 कप आटा डालिए, गेहूं का आटा डालिएगा। इसमें डाल दीजिए 1/2 छोटे चम्मच या फिर आपके स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले तो आटे के अंदर नमक को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छा मिक्स हो जाए, यहाँ मैं 3-4 टेबलस्पून तेल के डाल रही हूँ, आप चाहें तो असली घी के डाल सकते हैं। और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, पूरी तरीके से चारों ओर फैलाकर मिक्स कीजिएगा। और जब अच्छा मिक्स हो जाए तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। एक साथ पानी मत डालिएगा, आपको लगेगा कि एक साथ डाल दिया और हो गया, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं मैं पानी डाल रही हूँ, और इसे मसलते जाइए और घूमते जाइए और आटा लगा लीजिए। अच्छा, आटा भी ऐसा लगाना है कि आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है, मीडियम वाला, जो सेमी सॉफ्ट हम जिसे कहते हैं ना। लेकिन आटा लगा लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। जब आप कंबाइन कर लें इसे, जैसे आप देख रहे हैं अभी जो आटा है उसे सबसे पहले तो पानी से हम कंबाइन करते हैं, राइट। जब एक साथ आ जाता है फिर उसे बहुत अच्छे से मसलते हैं। तो पहले कंबाइन कर लीजिए और फिर उसे अच्छे से 4-5 मिनट तक मसलते जाइए, सो दैट उसके अंदर है ना अच्छी एक सॉफ्टनेस आ जाए। जब सॉफ्टनेस आ जाती है ना, तो जो रोटी है या फिर पराठे हैं वो बहुत ही बढ़िया से, मज़ेदार से और अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं और अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। तकरीबन मैंने 4-5 मिनट तक इसे बहुत मसला है जब कंबाइन हो गया था। और ये देखिए अच्छा सेमी सॉफ्ट हो गया, तो मैंने इसे ढक दिया किचन टॉवल से और तकरीबन 15-20 मिनट तक ऐसे ही साइड पर रहने दीजिए। चलिए 12-15 मिनट हो चुकी है। अब आप चाहें तो सबसे पहले आप आटे को मसल सकते हैं 1-2 मिनट और, हाँ, लेकिन मैं यूजुअली वो स्टेप कभी करती नहीं हूँ, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं अब सबसे पहले तो इक्वली डिवाइड कर रही हूँ, मैं 7 पराठे बना रही हूँ तो मैं इक्वली 7 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। अब आप ये मीडियम साइज के बनने वाले, बट अगर आपको थोड़े बड़े और मोटे बनाने हैं तो आप पेड़े कम बनाइएगा, 5-4 ही बनाइए, तो पेड़े कम बनाएंगे तो थोड़ी मोटी और बड़ी बनेगी। चलिए अब मैं एक पेड़ा ले रही हूँ और सूखा आटा लगाकर मीडियम साइज की रोटी बेल लीजिए। वो बराबर में जो रखा है वो असली घी है, 1 टेबलस्पून असली घी का लगाइए। आप चाहें तो हाथों की मदद से फैला सकते हैं या फिर चम्मच से थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए चारों ओर, और थोड़ा सा पहले तो पलटिए आपकी रोटी को, फिर दूसरे साइड से उसके ऊपर ओवरलैप कीजिए, फिर तीसरे साइड से इस तरीके से उसके ऊपर डालिए, और चौथे के ऊपर डाल दीजिए ओवरलैप करते हुए। आपको एक पैकेट सा मिल जाएगा स्क्वायर टाइप। अब सूखा आटा लगाकर पराठे को बेल लीजिए। अब बेलिए भी इस तरीके से कि जो हमारा स्क्वायर शेप है ये मेंटेन रहे। तो ये देखिए, बेलन इस ओर मारिए, फिर बेलन इसको घुमाते जाइए रोटी को, और इस तरीके से इसे बेलन को लगाते जाइए। अच्छा, अब आपने इस तरीके से बेलना भी है, जो हमारा पराठा है ना वो चारों ओर इक्वल साइज होना चाहिए, और बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला भी नहीं, मीडियम साइज का होना चाहिए, क्योंकि ये रोटी नहीं है पराठा है। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप में मैंने बेल लिया ना, ज़्यादा बेलन मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, 4-5 बेलन में तो वो हो जाता है शेप। अब यहाँ पर मैंने तवा अच्छा गर्म कर लिया और इसे पलट कर डाल दिया हमारे पराठे को, और थोड़ा सा ये डाल दिया मैंने असली घी, आप चाहें तो तेल डाल सकते हैं। कुछ सेकेंड्स के बाद मैंने पलट दिया, चूल्हा मीडियम पर है, थोड़ा सा और मैंने असली घी लगाया, और उलट पलट करते हुए असली घी थोड़ा लगाते हुए बार बार उलट पलट करते जाए और इसे सेक ले। तब तक सेकें जब तक लाइट गोल्डन स्पॉट्स नहीं आने लग जाते और ये जो पराठा है हमारा पक नहीं जाता तब तक। अच्छा, स्पैचुला की मदद से चारों ओर प्रेस करते जाइएगा, दोनों ओर प्रेस करते जाइएगा हल्के हल्के से, सो दैट कच्ची ना रह जाए। और चलिए ये देखिए लाइट गोल्डन स्पॉट्स आ चुके हैं, तो मैं इसे निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से आप बेलते जाइए और इसी तरीके से आप सेकते जाइए।
बेलने में ज्यादा कुछ है नहीं आप देख रहे हो, और सेकने में भी कुछ नहीं है। सेकने में सिर्फ एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि चूल्हा ना मीडियम पर ही रहने दीजिएगा, क्योंकि चूल्हा जब आप फास्ट कर देंगे ना तो दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स तो आ जाएंगे, लेकिन अंदर से हमारा पराठा कच्चा रह जाएगा, और पराठा वैसे थोड़ा सा हल्का मोटा होता है, यूजुअली पतला नहीं होता है। सो उस वजह से अगर वो कच्चा रह गया तो आपको अच्छा नहीं रहेगा, सही है ना। तो अब आप इस तरीके से सारे एक एक करके पराठे बनाते जाएं। वैसे मैंने लच्छा पराठा और तंदूरी रोटी और तीसरा रुमाली रोटी, इसी तरीके से थोड़ी सी रोटी रिलेटेड और पराठे रिलेटेड रेसिपीज डाली है मेरे चैनल पे, लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कीजिएगा, और ग्रेवी के साथ बढ़िया से लगा लगा के खाएं। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की, और इजी भी थी जैसे आपने देखा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, और रेसिपी ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके ये वाले वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा इसके फीडबैक्स, मुझे आपके फीडबैक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।